स्वागत है आपका एक नए वीडियो में और बहुत ही टाइम बाद एक लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियो में लेके आ रहा हूँ। समर में हम नॉर्वे और पुर्तगाल गए थे तो उसके जो पूरी सीरीज थी वो अब फाइनली चैनल पे रिलीज हो चुकी है और आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है, आज है मेरा जन्मदिन। तो हम अभी जा रहे हैं, अमिता ने कोई सीक्रेट प्लेस सिलेक्ट करी है वहाँ पर बर्थडे मनाने के लिए। सीक्रेट इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता, तो मेरे लिए एक सरप्राइज होने वाला है, बट अमिता ने बोला है कि इट्स गोना बी अ वेरी एक्साइटिंग प्लेस। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं और बहुत टाइम बाद जो है ना व्लॉगिंग चालू करी है, क्योंकि ऑलमोस्ट एक महीने से थोड़ा सा पर्सनल सिचुएशन थी तो व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था, बट अब फाइनली आज कैमरा वापस हाथ में उठाया और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। हम चलते हैं हमारी डेस्टिनेशन की तरफ। तब तक आज सुबह से जो मेरी खातिर हुई और हमने जो केक कटिंग की सेरेमनी करी, आप वो वीडियो देखें और मैं मिलता हूँ आपसे डेस्टिनेशन पे। लेम्मू फिर क्या बना रही है आज स्पेशल बर्थडे का? आज स्पेशल चाय तुम्हारी। तुझे पता है मैं पीता ही नहीं हूँ, तभी तो स्पेशल है कि देखो एकदम गर्मा गर्म क्या कलर आया है चाय का। दिख तो बढ़िया रही है। ये क्या बना रही है जल्दी बता, अंडे का? ये बन रहे हैं तुम्हारे फेवरेट पैनकेक्स। मेरे पैनकेक बन रहे हैं। और अपने भाई का, ओ हीरो आपका हो गया क्या खाई खाई? ओ उनका सबसे पहले, तुम्हारा बर्थडे हो चाहे कुछ हो वो कम्स फर्स्ट। खाई खाई हो गई हैप्पी। ये ब्रेकफास्ट में बन रहा है पैनकेक और इसने ये मुझे कॉफी, ये वो जो वो होती है ना अपन कॉफी शक्कर घोटने वाली बनाते हैं, डालगोना। अबे डालगोना नहीं बैठा जो नॉर्मल, तो वो इसने मुझे दे दिया। बर्थडे का जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी हो चुका है, दिख तो बहुत ही शानदार है। एक बार आपको भी दर्शन करा देता हूँ। ये शानदार कॉफी और ये तीन वेराइटी के पैनकेक्स बनाए, एक ये नॉर्मल वाला, ये न्यूटेला और केले का, और ये एवोकाडो चीज वाला। ओहो हो विद अ टॉपिंग ऑफ सॉल्ट एंड पेपर। आह मेरे को जुखाम हो गया यार, बहुत ही रॉन्ग टाइमिंग पे। चीयर्स अंशु, हैप्पी 36 टू मी। अब एक नीचे कर ग्लास। हाँ अब आ रहा है। तो फाइनली अब हम पहुंच गए हैं जो ये अमिता ने प्लान किया था आज मेरी बर्थडे के लिए। इस जगह का नाम है द अपसाइड डाउन। अमिता तू जरा डिस्क्राइब कर दे फटाफट ये कहां पर आएगा। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है सब कुछ उल्टा पुल्टा है, तो शशांक रेडी फॉर द एडवेंचर, क्योंकि दिमाग होना है, घूमने वाला है और थोड़ा बहुत हिल जाने वाला है। तो लेट्स सी एंड फाइंड आउट कि अंदर क्या है। मैंने प्लेसेस के रिव्यू देखे थे बहुत अच्छे हैं, सो आई एम गोना हैव अ ब्लास्ट। इसीलिए मैंने कहा था कि मेरे तो मजे ही है। अब शशांक, हाँ मतलब नॉर्मली ऐसा होता है ना कि बर्थडे होती है तो आप सोचते हो कि अच्छा यार कुछ अच्छा सा फाइन डाइन करेंगे, ये करेंगे, ये मेरी भी फन करना है। ये मेरी बीवी ने सोचा कि आज ये 36 साल का हुआ है, आज इसको कुछ एडवेंचरस बर्थडे मनाती हूँ। एंड एक्साइटिंग तो लग रही है जगह, लेट्स सी हाउ इट इज। चलो चलते हैं। I'll give you some headphones. The headphones are only for this room as an introduction. Okay. Once the introduction is finished, you can give the headphones back to me. Okay. And then without headphones, I'll see you in the next room. Thank you so much. भाई जो entrance थी उसी में almost मतलब वो ऐसे ना rotate सा हो रहा था। Actually वो rotate शायद नहीं हो रहा था, वो तो straight ही था, but वो माइंड को ऐसा लग रहा था कि पूरा घूम रहे हैं और ऑलमोस्ट चक्कर से ही आने लग गए भाई एंट्रेंस में। मैं अब मुझे ज़्यादा ही एडवेंचर नहीं हो गया ये एंट्रेंस में की ये हाल है। तो
आगे की म्यूजियम में क्या होगा। मतलब सच में यार वो एंट्रेंस इटसेल्फ वाज वेरी सरप्राइजिंग, मैं आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। होपफुली मैं हैंडल कर पाऊँ जो आने वाला है। अभी ये इन्होंने हेडसेट दिया है और इस रूम में वेट करने को कहा है, ये एंट्रेंस के जस्ट बाद में रूम है ताकि थोड़े लोग और आ जाएं एंड देन दे गोना गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ द एंटायर प्लेस और उसके बाद हम फर्स्ट रूम में एंटर करेंगे। अब हम आ गए इनके वन ऑफ द मोस्ट फेमस यहाँ पे जो अट्रैक्शन है वो है ये बॉल वाला पूल, और ये इतना ज्यादा फन है, आप इसमें डूबते रहो फिर बाहर आते रहो फिर डूबते रहो फिर बाहर आते रहो। ये देखो अमिता और अथर्व तो क्या मस्त मजे कर रहे हैं, और मैं अभी वहां गया पूरा ही अंदर डूब गया था। इट वॉज सो मच फन। अथर्व ए मस्ती करो मस्ती ए मस्ती। ये देखो सर्कल ऑफ इल्यूजन में मेरी बीवी ज्यादा इल्यूजन राइज नहीं हो गई है। हंसो अथर्व ये कहाँ आ गया, क्या कर रहा है, मस्ती कितनी मस्ती, बहुत ज्यादा मस्ती मस्ती। देखो भाई ये मस्त डांस फ्लोर में आ गए हैं, यहाँ पे आप बैठ के मस्त एंजॉय कर सकते हैं उल्टा अपसाइड डाउन। ये रहा डांस फ्लोर, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। तीन चार रूम में हम आ चुके हैं और मैंने हर रूम को ऐसे एकदम शूट नहीं किया क्योंकि दिस इज एन एक्सपीरियंस जो आपको खुद को आके करना चाहिए, बट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, हर चीज उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव है उतनी ज्यादा मजेदार है, बट हाँ ये है कि काफी डिफरेंट सा एक्सपीरियंस है तो थोड़ा मजा आता है, और लाइट मूड में अगर आप हैं और थोड़ा सा ऐसा फन चिल मारना चाहते हैं तो इट्स नॉट अ बैड प्लेस टू कम। एम्स्टरडम में ये है और हमने रेगुलर टिकट लिए जो आई थिंक 25 यूरोस की थी, तो हम तो दो लोग आए हैं, अथर तो भी फ्री है तो 50 यूरोस की हमें टिकट पड़ी। अब एंटर कर चुके हैं, वो जो अलग अलग कांच वाला वो मिरर का सेटअप नहीं होता है भूल भुलैया टाइप, जहाँ पे मिरर भूल भुलैया जहाँ पे आपको केयरफुली स्टेप करना पड़ेगा ताकि आप कहीं मिरर से भिड़ ना जाओ। केयरफुल केयरफुल क्या मिल रहा, क्या कहाँ जाना है? अरे यार कोई रास्ता मिल नहीं रहा। ओह दिस इज ओपन, कहाँ से भाई, ये तो यहाँ से तो घुसे थे। ओहो अरे खो गए। हाँ बहुत आराम से अंकू अथर भाई अथर के साथ मैं तो बस अमिता को फॉलो कर रहा हूँ। नाइस नाइस, भूल भुलैया से हम आ गए यहाँ। अपसाइड डाउन के बाद हम सीधा एक इंडियन रेस्टोरेंट चले गए थे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रीट फूड के लिए फेमस है, और ऐसा फाइन डाइन करने का कोई प्लान नहीं था, बट जहाँ हम गए थे वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वहाँ पे जैसे आपका चाट पकौड़ी, पाव भाजी, चिली चिकन और ये इस तरीके के आइटम्स मिल जाते हैं, और कड़क चाय और कॉफ़ी भी मिल जाती है, तो हमने सोचा वहीं पर चलते हैं। वहाँ से खाना खा के अब फाइनली घर वापसी हो चुकी है, और ये जो एक छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन था ये भी ख़त्म हो चुका है, और मैं अब पहुंच चुका हूं अपने 37th ईयर रनिंग पे, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं। अगर आपको ये छोटा सा हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देते जाइए,
और अगर आप हमारी जर्नी से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सब मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।